Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are welcome to the online steel structure series. This is the 12th video lecture and the first one on the weld connection. In the previous lectures we have covered up till the bolt connection. In this lecture we're gonna cover up the weld connection. So we're gonna start our lecture right now. So basically in the welding process, these are the basic essentials of any welding process. We need to have if there is a metal and you need to connect it with some other part, so you can either connect it by using the bolt connection, or you could do it by this by the weld connection. In this case, the metals which are required to be connected are known as base metals. ठीक है, जो जिन पोर्शंस को या जिस जिनको हमने कनेक्ट करना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बेस मेटल बोलते हैं. देन देयर इज अ फिलर मेटल. फिलर मेटल कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इट कुड बी ऑफ ऑफ अ ट्यूब और सोलेनॉइड वायर. वी गोना सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. और उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं ये फिलर मेटल को. वी गोना हीट इट अप एंड इट मेक्स दैट वेल्ड कनेक्शन. It's we heat this filler material and it melts down, and then it connects the parts which are required to be joined. And then there should be some phenomena, कोई arc या heat phenomena होना चाहिए जो इस filler metal को melt down करता है और base metal को भी melt down करता है, ताकि ये portions connect हो सके. And the flux, flux is the electrode which is required to generate an arc or heat. That is required to melt the filler material. So this is the process. I'm gonna explain the welding process in the coming slide. So types of filler material. जो filler material दो से तीन type के हो सकते हैं. एक stick electrode होती है, जैसे कि आपको commonly welding वाली अगर आप shops देखें तो उसमें आपको कम normally कुछ ये process नजर आ रहा होता है कि जिन्होंने ये stick electrode use करी होती है. ये stick होती है and that is clamped between the jaws of any flux and that melts down this filler material. एक इस तरह का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है. उसके अलावा एक टाइप ये भी है ऑटोमेटिक, जिसमें हम वेल्डिंग कहते हैं, जिसमें एक गन सी नज़र आती है, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के अंदर फ्लक्स कोर होती है. जैसे ये इधर स्टिक टाइप होती हैं, डिफरेंट स्टिक्स होती हैं. ये स्टिक जब मेल्ट हो जाती है फिर हम नई स्टिक पुट इन करते हैं और उसको मेल्ट डाउन करते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ दिस, इसमें सिंपली ये फ्लक्स कोर होती है एंड इन दिस मटेरियल मेल्ट्स डाउन. इसकी इर्द गिर्द एक कोटिंग होती है, तो एक टाइप ये भी होती है. दूसरा जो होता है सॉलिड वेल्डिंग वायर. जैसे कि आप छोटी मोटी रिपेयर शॉप्स, जैसे मोबाइल फोन में रिपेयर शॉप्स देखते हैं, तो वो जो छोटा मोटा वो जॉइंट लगाते हैं या टांका से लगाते हैं, वो किस चीज़ से लगाएंगे, वो सोलेनॉइड वायर से लगाते हैं. ये इस किस्म की छोटी सी वायर होती है और इसको फिर जब हीट अप करते हैं सो इट कुड बी ऑल्सो बी यूज एज अनदर फिल मटेरियल. तो कनेक्शन में हम कुछ इस किस्म के तीन टाइप के फिलिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. फिलिंग मटेरियल बेसिकली क्या होगा कि एक पार्ट है दूसरा पार्ट है, उनको ज्वाइन करने के लिए जो हम मटेरियल मेल्ट करते हैं और जो मेल्ट होने के बाद इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड फिलर मटेरियल. फिलर मटेरियल की ये तीन चीज़ें हैं, तीन तरह के हम कर सकते हैं. एक इस तरह स्टिक इलेक्ट्रोड होता है, एक फ्लक्स कोर होता है जिसमें ये वाला पोर्शन मेल्ट होता रहता है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोड होता है, ये हीट अप होता रहता है जिसकी वजह से ये मेल्ट होता जाता है. एंड थर्ड वन इज द सोलेनॉइड वायर, सिंपली एक छोटी सी वायर ही होती है और उसको हम जब हम हीट करेंगे पहुँचाते हैं तो इट मेल्ट्स डाउन, ये हो जाएगा. देन ऑब्वियसली जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स कुड बी ऑफ हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, इट कुड बी इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑब्वियसली यूजिंग जनरेटर. आपके पास कोई पावर हो, जैसे स्टिक इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है कि इन इलेक्ट्रोड्स में, इन फ्लक्स में हम इस तरह स्टिक्स इनकर करते हैं और देन वी टर्न द पावर ऑन. तो ये इसमें क्या करते हैं कि जब वो कनेक्ट होते हैं बेस मेटल के साथ, स्टिक कनेक्ट होती है, तो देन एन इलेक्ट्रिक करंट रन्स थ्रू, जिसकी वजह से ये मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वेल्डिंग हो, कैसे रही होती है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वेल्डिंग प्रोसेस वर्क्स. सो बेसिकली देयर इज एन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड में जिस मैंने आपको बताया दो से तीन टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे ये हैं, स्टिक इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, फ्लक्स कोर वेल्डिंग वायर भी हो सकता है और ये सोलेनॉइड वेल्डिंग वायर भी हो सकता है. तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के ऊपर हम कोटिंग की होती है. कोटिंग का क्या पर्पस है वो भी मैं आपको बताता हूँ. तो जब हम उसको किसी मेटल के पास, लेट से अगर ये एक मेटल है और उसको हमने कनेक्ट करना है किसी दूसरे मेटल के साथ, और ये एक ग्रूफ बना हुआ है इस जगह पर, ये करके ग्रूफ बना हुआ है, खाली बना हुआ है, और हमने इस जगह पर इसका कनेक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड को इसके पास लेकर आते हैं. जब हम इलेक्ट्रोड को इसके पास लेकर आते हैं देन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड से मोल्टन मैस की तरफ
एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक करंट मूव करता है इस गैप के अक्रॉस, इधर से इलेक्ट्रोड से इसकी तरफ मूव करता है, जिसमें आपको एक स्पार्क से भी नज़र आता है जब आप वेल्डिंग का फिनोमेना देखते हो। तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रोड को बेसिकली जब वो न्यू टच कर रहा होता है, नॉट एग्जैक्टली जैसे टच नहीं करता, जैसे इसके पास लेकर आता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो स्पार्क से भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वेन इट इलेक्ट्रिक करंट रन्स अक्रॉस दिस गैप, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिस ये जो इलेक्ट्रोड है इसका कुछ हिस्सा मेल्ट होता है, ठीक है, जो कि स्टिक हो सकती है, उसके अलावा जो बेस मेटल होता है इसका भी कुछ हिस्सा मेल्ट डाउन होता है। एंड ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रोड इज बींग यूज एज अ फिलर मेटल, तो जब ये जो इलेक्ट्रोड होता है इट मेल्ट डाउन एंड जो वो मटेरियल मेल्ट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है इस बेस के साथ, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हीटिंग द कनेक्टेड पार्ट्स, करंट रन्स अक्रॉस द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल, हीटिंग द कनेक्टेड पार्ट्स एंड डिपॉजिटिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन टू द मोल्टन बेस मेटल, तो क्या हो जाएगा इसका कुछ पोर्शन जो मेल्ट डाउन होके वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब उसके बाद डिपॉजिट जब ये हो गया तो इस जो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड है, ये जो स्टिक्स भी हो सकती हैं या कोर भी हो सकता है, इसकी कोटिंग की होती है। कोटिंग इस वजह से की हो जाती है क्योंकि वो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट इसके अक्रॉस रन करता है तो वो क्या होता है, वो कोटिंग वेपराइज हो जाती है, मतलब इसके ऊपर जो कोटिंग किसी भी किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग होती हैं वो आगे एक टेबल आ रहा है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो कोटिंग वेपराइज हो जाती है और वो क्या कर लेती है, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है उसके इर्द गिर्द, उस छोटे से रीजन के इर्द गिर्द एक गैसियस शील्ड बना लेती है, ठीक है, एक गैसियस शील्ड बना लेती है। अब वो गैसियस शील्ड का पर्पज़ क्या होता है कि वो जो मेटल, ये जो बेस मेटल है, ये जो मेल्ट हुआ है हीट प्रोवाइड करने से, ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये जो हीट हुआ मेल्ट हुआ है, ठीक है, जो इधर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ये ताकि सॉलिडिफाई ना हो जाए, और उसके अलावा इसका जो मेल्टेड मेटल है, जो मेटल मेल्ट हुआ है, इसका कहीं आउटसाइड एयर के साथ रिएक्शन ना हो, ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन ना हो और ऑक्सीडाइज ना होना शुरू हो जाए। और ऑक्सीडाइज का मतलब ये कि बेसिकली इसके ऊपर कोई रस्टिंग इफेक्ट ना होना शुरू हो जाए। एयर आपको पता है ऑक्सीजन है, उसमें एटमोसफेयर में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो अगर वो मोल्टन मेटल को अगर उसको वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए तो देर आर चांसेस कि वो उसकी वीकनेस, वीक प्लेन्स इंट्रोड्यूस करा देगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गैसियस शील्ड सी एक बन जाती है। वो किस वजह से बन जाती है, वो इस कोटिंग की वजह से बनती है। सो स्पेशल कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड वेपोराइजेस एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव गैसियस शील्ड प्रिवेंटिंग द मोल्टन मेटल फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग बिफोर इट सॉलिडिफाई। तो वो क्या होना चाहिए कि इसको सॉलिडिफाई होने से पहले पहले ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, ठीक है, ताकि ये विद एयर कॉन्टैक्ट ना हो जाए। और उसके बाद होगा क्या कि बेसिकली हम जैसे क्या करते हैं, लेट्स से हमने ये एक पोर्शन को हमने ज्वाइन करा, तब हम क्या करेंगे, स्टिक इलेक्ट्रोड को हम उसी तरीके से क्लैंप्स में लगाएंगे और उसके बिल्कुल उसके करीब लेकर आएंगे, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट इससे मूव होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा, ये कुछ बेस मेटल मेल्ट होगा, और वो जो मेल्टेड पोर्शन हो जाएगा वो डिपॉजिट होकर ऐसे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो पार्ट कनेक्ट हुए पड़े होंगे। और लेट्स से मैं अगर एक ये प्लेट है, ठीक है, और एक ये वाली प्लेट है, ये नीचे एक और प्लेट है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ये वाली प्लेट है, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रोड को इसके आस पास लेकर आऊँगा। वो क्या करेगा, वो इस पोर्शन को कुछ हीट करेगा, इस पोर्शन को कुछ हीट करेगा, और ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोड खुद हीट अप होगी, तो वो इस किस्म का एक ऐसे कनेक्शन बन जाएगा। फिर आई कुड मेक इट हेयर, तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, ये दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट हो जाएगी, ये दूसरी प्लेट हो जाएगी, और मैं जैसे इलेक्ट्रोड को इसके पास लेकर आऊँगा तो वो इस पोर्शन को मेल्ट आउट करेगा, इस वाले पोर्शन को कुछ मेल्ट डाउन करेगा, और ये खुद भी कुछ मेल्ट होगा, तो ये ऐसे कनेक्शन बना देगा हमारे पास इस किस्म का, ठीक है, एक रफ से एक आइडिया आपको दिया, ठीक है। द इलेक्ट्रोड इज मूव्ड अक्रॉस द जॉइंट, बेसिकली मतलब क्या होगा कि वो जो जॉइंट जहाँ बनाना है उसके उसके इर्द गिर्द ऐसे मूव करेंगे उसको थोड़ा सा, ताकि वो प्रॉपर जैसे जैसे जिस जिस जगह पर रिक्वायर्ड है मेटल वो उधर मेल्ट होता जाए वो पोर्शन, और वो सॉलिडिफाई होता जाए, ठीक हो जाएगा। एज द वेल्ड कूल्स इंप्योरिटीज राइज टू द सर्फेस, फिर ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाती हैं, जैसे ही ये वेल्ड होता है, ये कूल होता है, तो वो इम्प्योरिटीज़ खुद ब खुद ऊपर की तरफ फ्लोट करके ऊपर वाले पोर्शन पर आ जाती हैं, ठीक है, और वो क्या फरमा बना देती है, एक छोटी सी एक ये एक रफ सरफेस बना देती है। आपको कनेक्ट तो इस पोर्शन को करना था, वो हो गया, लेकिन एक छोटा सा ऊपर एक रफ सरफेस बन जाता है, पैची से सरफेस बन जाता है, जिसको हम स्लैग का नाम देते हैं, ठीक है। एज द वर्ल्ड कूल्स इम्प्योरिटी राइजेज टू द सर्फेस फॉर्मिंग अ कोटिंग कॉल्ड स्लैग, ठीक है। और जब भी हम ऑब्वियसली अब लेट से दो पार्ट्स कनेक्ट हो गया, मैं ये कहता हूँ ये एक पार्ट कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है, ये इस प्लेट के साथ, ऐसे जब ये कनेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ इंप्योरिटीज आ जाएंगी, हमें इस इंप्योरिटीज को रिमूव करना होता है, और फिर जाके हम ताकि एक स्मूथ सरफेस ही हमें मिल जाए, ठीक है। स्लैग मस्ट बी रिमूव बिफोर द मेंबर्स पेंटेड और अनदर पास इज मेड विद द इलेक्ट्रोड हो जाएगा। बेसिकली क्या हो गया कि उस स्लैग को हम रिमूव करते जाते हैं साथ साथ, ताकि हमारे पास एक स्मूथ सर्फेस आती जाए। सो इस तरीके से हमारे पास एक वेल्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड लेकर आए बेस मेटल के पास,
इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा, कैसे होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या कोई हीट फिनोमेना होता है, डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक स्पार्क इफेक्ट भी आता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोड भी कुछ पोर्शन मेल्ट होगा, कुछ बेस मेटल मेल्ट होगा, और वो जो मेल्टेड पोर्शन है जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो दैट मेक्स अ कनेक्शन, ठीक है, वो एक कनेक्शन बनाता है. सो दिस वॉज द बेसिक फिनोमेना कि एक इलेक्ट्रिक, और ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होती हैं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं कि अगर तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसकी दो टाइप्स हैं, शील्डेड है, ठीक है, एक फ्लक्स कोर है जिसमें इलेक्ट्रोड दूसरे टाइप का यूज होता है जिसमें इलेक्ट्रोड एक ट्यूब के अंदर कवर्ड होता है, तो फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग होता है, फिर गैस मेटल, ठीक है, जिसमें गैस यूज होती है बजाय इलेक्ट्रिक करंट के. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, ये आपके सामने मेंशन हुई पड़ी है, ठीक है, एक बेसिक एक आपको आइडिया देना था कि क्या है. ऑब्वियसली इसके हम डिटेल में उतना नहीं जा सकते क्योंकि अगर एक एक डिटेल में जाएंगे तो हर एक का एक डिफरेंट आगे प्रॉपर्टीज़ है, बट आपको बेसिक फिनोमेना पता होना चाहिए. सो जैसे ये था, एक स्टिक वेल्डिंग क्या होती है जो कि बहुत कॉमन आपको वेल्डिंग शॉप्स में कुछ आपको इस किस्म की नज़र आती है कि आपके पास ये पीछे से आपके पास फ्लक्स है और आप उसमें ये स्टिक इलेक्ट्रोड्स उसके क्लैंप्स में वो डाउन करोगे, और जब आपने किसी पोर्शन के साथ वेल्ड डाउन करना है इसके आसपास लेकर आएंगे तो ये पोर्शन मेल्ट हो जाता है, ठीक है. ऑब्वियसली ये फिलर मेटल से बनी हुई होती हैं और वो उसका एक जॉइंट बना देती हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टिक वेल्डिंग. एंड अनदर टाइप इज़ फ्लक्स कोर वेल्डिंग. फ्लक्स कोर वेल्डिंग में बेसिकली है वही चीज़ है, बस सिर्फ ये है कि जो जो फिलर मटेरियल है वो इसके अंदर ही कवर्ड होता है. ये ज़रा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली आपको वो बार बार जैसे प्रीवियस वाले में था, ये आपको ऑब्वियसली ये मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, ये इस तरीके से जैसे आएंगे तो आपको इसको पुल करना होगा, बट ऑब्वियसली जो दूसरे वाला पोर्शन है फ्लक्स कोर वेल्डिंग है, इट्स अ बिट ऑटोमेटेड फिनोमेना, सिर्फ रैपिड प्रोसेस एक होता है आपको ये होता है. ज़्यादातर फील्ड में तो ये आपको स्टिक वेल्डिंग नज़र आती है, ठीक है. देन जी आपके पास कनेक्शन कि वो जो जॉइंट बना रहे हैं उसके भी फर्दर दो से तीन बेसिक टाइप्स हैं कि आप किस किस्म का जोड़ या किस किस्म का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं. एक होता है ग्रूव वेल्ड. ग्रूव वेल्ड ये है कि मतलब लेट्स से अगर ये पोर्शन है और दूसरा पोर्शन है और आपने, या आप ये कह सकते हो कि ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और आपके पास ये आ जाएगा. अगर प्लान में देखें कि एक ये पोर्शन है, एक इधर से मेंबर आ रहा है और आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि ये इस मेंबर को कुछ ना कुछ इसमें एक ग्रूव खुद से उसको चिसल डाउन करोगे, उसको कुछ पोर्शन रिमूव करोगे ताकि आपके पास एक कुछ जगह बने जहाँ पर आप जब आप इलेक्ट्रोड लाओगे तो वो जो बेस मेटल ऑब्वियसली जो फिलर मेटल होगा वो मेल्ट होके वो इस जगह से इस जगह पर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है. तो या तो होगा ग्रूव वेल्ड. ग्रूव वेल्ड के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, कंप्लीट पेनिट्रेशन ग्रूव वेल्ड होते हैं और एक पार्शियल पेनिट्रेशन ग्रूव वेल्ड होता है. कंप्लीट का मतलब है कि जितना मेंबर है उसकी पूरी थिकनेस को अगर आप चिसल इफेक्ट कर दो एक जगह पर और दूसरे मेंबर को आपने कनेक्ट करना है तो आपने इस जगह पर ऑब्वियसली फिलर मटेरियल के लिए जगह, तो ये कंप्लीटली ग्रूव हुआ पड़ा है, ठीक है. जैसे कि ये आपके पास कि पूरी थिकनेस में आपने इसका एक एक पोर्शन ऐसे, लेट्स से अगर मैंने इधर जोड़ लगाना है, मैंने अगर इधर एक मेंबर और कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसका कुछ पोर्शन इधर से करके इसको डिग आउट करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है, इसमें एक होल सा क्रिएट कर दूँगा, एक ग्रूव सा बना दूँगा और फिर जब मैं इसमें फिलर मेटल को मेल्ट करके मैं इसका एक इधर कनेक्शन बना दूँगा. सो एक ये हो सकता है, एक ये टाइप का हो जाएगा. ऑब्वियसली इसमें टीज भी कनेक्ट हो सकते हैं कॉर्नर में, जब आपने कनेक्शन देना तो वो कुछ इस किस्म का होता है. ये हो जाता है ग्रूव वेल्ड. दूसरा आ जाएगा कि मेंबर में आपने एक ऑब्वियसली जगह बनानी है जिसमें फिलर मेटल फिल इन हो सके. ये होता है कम्प्लीटली ग्रूव, पूरी थिकनेस के अक्रॉस हुआ पड़ा, और पार्शियल ग्रूव भी होते हैं. जैसे अगर लेट्स से अगर प्लेट की थिकनेस ज़्यादा है तो उसमें से ऑब्वियसली मैं सारी प्लेट को ऐसे नहीं करूँगा रिमूव, इसके ऊपर से कुछ पोर्शन रिमूव कर दूँगा, इसके नीचे से कुछ पोर्शन रिमूव कर दूँगा और फिर मैं इधर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड को फिल इन कर दूँगा फिलर मटेरियल से, और ये मेरे पास एक कनेक्शन बन जाएगा. ये होता है पार्शियल पेनिट्रेशन ग्रूव, ठीक है, हाफ मतलब आपने उसमें पेनिट्रेशन की है, ठीक है. इसकी भी फर्दर टाइप्स है. एक होता है प्लग वेल्ड. प्लग वेल्ड का ये हो जाएगा कि ऑब्वियसली जब आपको वेल्ड स्ट्रेंथ ज़रा ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि लेट्स से अगर एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि ऊपर वाली प्लेट में से एक होल क्रिएट कर दोगे, जैसे कि ये एक बना हुआ, ठीक है, और उसमें से फिर आप फिलर मेटेरियल फिल इन कर दोगे तो वो आपके पास एक कनेक्शन होगा. तो ये प्लग वेल्ड होता है. और जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है और जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वो है फिलेट वेल्ड, और जो सबसे ज़्यादा आसान है बनाना. कि क्या होगा कि जहाँ भी कॉर्नर्स बन रहे हो, लेट से आपके पास ये एक पोर्शन था, आपने इसको कनेक्ट करना था, तो इसका कॉर्नर क्या बन रहा था, एक इस जगह से बन रहा था, एक इस जगह से बन रहा था, मतलब जब इससे कनेक्ट कर रहे थे तो इन जगहों पर फिलेट वेल्ड. फिलेट वेल्ड मतलब कॉर्नर को कनेक्ट करो ऐसे इंक्लाइंड से, ऐसे ट्राइंगल से बनोगा, हमेशा एक पोर्शन को कनेक्ट करना होगा इससे, तो आपके पास ये एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे या ऐसे बना देंगे तो ये आपके पास फिलेट वेल्ड हो जाएगा, ठीक है. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फिलेट वेल्ड.
उसके बाद जी फिलेट वेल्ड का बेसिकली है क्या, और हम जितने भी हम करेंगे हम इसको फिलेट वेल्ड ही को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस में ये होगा। फिलेट वेल्ड का बेसिकली ये होती है कि वेल्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अपॉन दिस थिकनेस, ठीक है। ये बेसिकली क्रिटिकल होता है, ऑब्वियसली जो फिलेट वेल्ड होता है ये फेल कैसे हो सकता है, ये टेंशन में फेल हो सकता है, ये मतलब ऐसे टेंशन फोर्स लग गए, ठीक है, कंप्रेशन में भी हो जाता है, बट इसका देखा गया कि इसका सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल फेलियर होता है, जो सबसे पहले फेलियर प्लेन होता है, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लोकेशन है, वो इसका शीयर फेलियर है। शीयर फेलियर का मतलब ये है कि इधर से टीरा पार्ट जो है, अगर लेट से तो जब भी वेल्ड कनेक्शन फेल होगा तो वो कुछ यहाँ से क्रैक आना शुरू होंगे इसके सेंटर से, और वो क्रैक ऐसे प्रोपगेट करेगा ये इस तरह करके, और उसके बाद ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा इधर मूव हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास वेल्ड कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, इधर से इस किस्म का क्रैक बनता है, ठीक है। अब हमें ऑब्वियसली चाहिए इसकी ये जो है, ये इसकी जो थ्रोट विड्थ हमें चाहिए। थ्रोट विड्थ का मतलब ये है कि लेट से अगर एक फिलेट वेल्ड है उसकी एक लेग के साथ, मतलब एक पोर्शन के साथ इतनी विड्थ होगी, दूसरे वाले पोर्शन के साथ इतनी विड्थ होगी, जिसको हमने W से शो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर ये जो लेंथ चाहिए, इसको हम बोलते हैं थ्रोट ऑफ द वेल्ड, थ्रोट ऑफ द फिलेट वेल्ड, क्योंकि वो उसके कॉर्नर तक कितना डिस्टेंस होगा, अगर अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऐसे ही बन रहा है जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, और फेलियर होगा कुछ ऐसे क्रैक होगा, तो ये वाली लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास ये W गिवन है, और मुझे ये पता है कि ये जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। अगर ये मैं बनाऊँ तो ये एंगल अगर ये देखें तो 45 डिग्री ये है, और 45 डिग्री जो टोटल 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल को, ये एक जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, अगर आप इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके रोटेट कर दो, इस तरह करके रोटेट करोगे तो वो कैसे बनेगा, मैं ट्रायंगल वैसे बना देता हूँ इस तरह करके, वो कुछ ऐसे करके बना हुआ होगा, ठीक होगा। हमारे पास मतलब ये एंगल 45 और ये 90 बना होगा, तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये जो थी ये रोटेट होके इधर आ गई, और ये हाइपोटेन्यूज कितना था, W, ठीक हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये आपको परपेंडिकुलर अननोन है, बेसिकली यही है इसकी थ्रोट है, ठीक है। तो आपके पास जब ये एंगल पता है 45, ठीक है, तो कॉस 45 कितना होता है, अगर मैं कॉस, ये सी स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज, ठीक है। तो कॉस 45, ये मैंने 45 लिखा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमें फाइंड करने, चूँकि हमें इसमें इंटरेस्ट है, इस परपेंडिकुलर लेंथ में, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये जब हाइपोटेन्यूस इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये वाली जो हाइपोटेन्यूस है, इनटू कॉस 45, तो बेसिकली ये बना हुआ है, देखो W, W क्या है, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस 45, तो ये हमारे पास जाके ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। कॉस 45 होता है 0.707। तो बेसिकली जो फेलियर प्लेन है, मतलब ये जो होती है, कोई भी जब फिलेट वेल्ड बनाएंगे तो उसकी जो थ्रोट की होगी, ये जिसकी थ्रोट की लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, दैट इज़ W इंटू 0.707। W क्या होगी, वो किसी भी लेग के क्रॉस जब उसकी लेंथ ऑफ द, जो उसकी थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड है, ठीक है, ये विड्थ को बोलते हैं कि फिलेट वेल्ड की थिकनेस कितनी है, कितना थिक है, वो ये थिकनेस है, ये इधर और इधर, ये दोनों तरफ बराबर होती है। और जो थ्रोट की होगी डायमेंशनों की, वो कैसे फाइंड करेंगे, थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड मल्टीप्लाई बाय 0.707 कर देंगे। और जो फेलियर प्लेन जो क्रिटिकल है, वो क्या हो रहा है, जैसे इधर बनाया हुआ है कि ये फिलेट है, ठीक है, इसमें से ये क्रैक ऐसे इनिशिएट हो रहा है, ये तो इसकी ये वाला जो पोर्शन होगा W इंटू 0.707, और ये इसका टोटल ये लेंथ हो जाएगी, अगर मैं अलॉन्ग द लेंथ मैं चला जाऊँ तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो आपको जब इसका शेयर एरिया फाइंड करना होगा तो W इंटू 0.707 ये वेट हो जाएगी, इंटू लेंथ करेंगे तो ये आपके पास शेयर एरिया आ जाएगा। इस तरीके से जी करके आपके पास ये था फेलियर इसका मैकेनिज्म जो क्रिटिकल होता है फिलेट वेल्ड का। तो बेसिकली आपने अगर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है फिलेट वेल्ड में, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल यही शेयर स्ट्रेस है, तो हम इसी जगह पर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको लोड पता होना चाहिए, और लोड को एरिया से, कौन से एरिया से, ये वाली विड्थ W इंटू 0.707, और इसको जब इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। तो स्ट्रेस बिफोर फेलियर, दैट इज इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे।
अब ऑब्वियसली किसी भी वेल्ड कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर तो स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मतलब आपको लोड गिवन है, तो आप बेसिकली लेट्स से अगर आपसे कोई पूछता है भाई ये एक वेल्ड कनेक्शन है, इस पे इतना लोड आ रहा है, आप इसके जी फाइंड आउट करें इस लोड के लिए इसमें कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, तो आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा ये ऊपर वाला. बट अगर आपको एक जैसे ये एक वेल्ड कनेक्शन आपको बोल दिया जाए कि ये एक वेल्ड कनेक्शन है और आप इसकी वेल्ड स्ट्रेंथ बताएं कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो आप वो कैसे करोगे? आपके पास ये पता है 0.707 W इंटू एल, ये आपके पास एरिया, और आप उसकी ये देखो ये एरिया आ जाएगा और उसकी वेल्ड स्ट्रेंथ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो लोड आ जाएगा कि कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक हो जाएगा कि कितना लोड ये बेयर आउट कर सकता है. तो आपको वेल्ड स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए. अब इसमें क्या है, ये शियर एरिया है वेल्ड का और ये वेल्ड स्ट्रेंथ है. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लोड आ जाएगा कितने लोड पे फेलियर होगा, ठीक हो जाएगा. इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. अब इलेक्ट्रोड को जैसे हम कहते हैं ना, बोल्ट्स को हम शो करते हैं कि ये बोल्ट कनेक्शन है या टाइप है, A36 स्टील है, ऐसे ही इलेक्ट्रोड का जो वेल्ड कनेक्शन होता है, जो वेल्ड कनेक्शन होता है उसका भी हम एक स्पेसिफिक तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वेल्ड किस टाइप का है, वेल्ड E60 है, E70 है, E80 है, तो इस तरीके से नाम दिया जाता है. जब ये E60 का मतलब क्या है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है, 60 स्टैंड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो जो वेल्ड यूज कर रहे हो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, और ये जो दूसरे जो दो डिजिट्स होते हैं एक्स और ये जो दूसरा एक्स है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो पहला डिजिट होगा वो पोजीशन उसकी शो करेगा, ये जो पहले वाला लेट्स अगर 1 है तो उसकी पोजीशन वो शो कर रहा होगा कि किस पोजीशन पर हो रहा है, और उसके बाद जो दूसरा डिजिट होता है ये हमें शो करता है टाइप ऑफ कोटिंग एंड करंट, ठीक है, वो उसका क्या शो करेगा, उसकी टाइप ऑफ कोटिंग के कोटिंग उस पर किस किस्म की भी पड़ी है. इसका भी अलग से एक टेबल बना हुआ है, लेट्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग के लिए नंबर 5 कोटिंग यूज़ किया, नंबर 7 कोटिंग यूज़ किया, और पोजीशन के लिए भी डिफरेंट ये यूज़ होता है, ठीक है. बट हमें सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न क्या होता है कि हमें ये चाहिए, हमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो पहले दो डिजिट में है कि ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड एंड 60 स्टैंड फॉर उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है. हमें इससे कंसर्न है कि उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है. जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये इलेक्ट्रोड है, E60X है, 70X है, इसका मतलब ये है कि अगर E1110 है तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 1110 KSI हो जाएगा, ठीक है जी. इस तरीके से जी हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोटिंग के इस तरीके से डिजिट दिए हुए. अगर जैसे लिखा हुआ है E60, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक पोजिशन दे दी जाती है, हम ये कह देते हैं कि लेट्स से 3 पोजीशन है, उसके बाद डिजिट हम लिख देते हैं 8, लेट्स से 8 का मतलब ये है कि उस पर कोटिंग क्या हुई पड़ी है, उसके ऊपर वो जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जिसने जो फिलर मेटल है उसके ऊपर कोटिंग क्या है, वो ये है लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद ये वेल्डिंग करंट वगैरह जो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. सो जब हमारे पास ये देखा कि जो हम तो ऑब्वियसली हमें E60X पता चल गया कि भाई E इलेक्ट्रोड है, 60 क्या है उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है. बट हमें ऑब्वियसली किससे कंसर्न है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फिलेट वेल्ड फेल किस में होगा, उसमें टेंसाइल भी आ सकता है, उसमें कंप्रेशन भी आ सकती है, बट वो फेल होगा शीयर में, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फिलेट वेल्ड जो है, ठीक है, हम इसकी अल्टीमेट टेंसाइल तो पता होता है, बट हमें तो उसका पता है कि शीयर में फेलियर होता है, तो उसकी शीयर स्ट्रेंथ कितनी आती है, हम उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को 0.6 मतलब 60% ऑफ जितनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज द शीयर स्ट्रेंथ. ये एक वेल्ड की शीयर स्ट्रेंथ इतनी होती है, तो 0.6 × 60 कर देंगे, अगर 70 होता तो 0.6 × 70 कर देते, तो ये हमारे पास शीयर स्ट्रेंथ ऐसे आ जाएगी, ठीक हो गया जी. अच्छा जी, उसके बाद जब हमारे पास ये हो गया एंड देन हमारे पास जो आ जाता है स्ट्रेस बिफोर फेलियर, हमने अगर स्ट्रेस फाइंड करना है एक उस चीज़ पे, अगर मैं दिखा सकूँ कि फिलेट वेल्ड का हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करना, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे पास लोड है और लोड को जब आप उसके शियर एरिया से डिवाइड करोगे तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा. आपने अगर लोड एट फेलियर फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास चीज़ था, बट ये था क्या, वेल्ड स्ट्रेंथ, वेल्ड स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, जो आपके पास फिलेट वेल्ड था उसकी वेल्ड स्ट्रेंथ थी. बट आपने क्या करना है, ऑब्वियसली वेल्ड स्ट्रेंथ तो है, बट वेल्ड स्ट्रेंथ है किसके बराबर, दैट इज 0.6 ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो FEXX स्टैंड फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब आप उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी वेल्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी. आपको बेसिकली ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है जी, तो ये फार्मूला आ जाएगा. अब इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली जो वेल्ड है वो फेल हो, ठीक है. जब वेल्ड कनेक्शन की बात करूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेल्ड ही फेल होना चाहिए, ठीक है. जैसे मैं ये कहूँ कि ये देखिए ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, ठीक है, और इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग, ये मैंने वेल्ड कर दिया इस पोर्शन को, मैंने अगर मैं जो इसको अगर मैं वेल्ड कर सकूँ तो ये वेल्ड हो गया, ठीक हो गया जी, ये हमारे पास वेल्डिंग हो गया.
ठीक है, जब वेल्डिंग होगी उसके बाद मैंने आपको अभी तक जो बताया उसमें ये हुआ कि फेलियर हम कैसे करते हैं, मैं एक डॉटेड लाइन सी बना रहा हूँ, ठीक है, फेलियर कैसे हो रहा है, ऐसे शेयर फेलियर हो रहा है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि इधर से शेयर फेलियर ही हो खाली, ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि ये जो जहाँ पे कनेक्टेड है, जहाँ बेस मेटल के साथ, यहाँ पे शेयर फेलियर तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है, बेस मेटल की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो तो नहीं हो रही, या ये वाला जो इस जगह पर कनेक्टेड है कहीं इधर से जो वेल्ड है, जो वेल्ड कनेक्शन है, यहाँ से रपच्चर ना हो जाए या यहाँ से यील्ड ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि जब हम वेल्ड कनेक्शन की बात करते हैं तो एक तो हमने उसकी शियर स्ट्रेंथ देखनी है, उसके अलावा हमने बेस मेटल की भी शियर स्ट्रेंथ देखनी है, और बेस मेटल की शियर स्ट्रेंथ भी दो फिनोमेना में देखनी है, कि बेस मेटल कहीं उस जगह से, जैसे हमने ये कहा कि बेस मेटल उस जगह से कहीं यील्ड ना कर जाए, और दूसरा बेस मेटल वहाँ से कहीं जो रपच्चर ना कर दे। तो बेसिकली आपने क्या, शियर यील्ड स्ट्रेंथ और शियर रप्चर स्ट्रेंथ, इन शॉर्ट क्या करना है कि आपने ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, इसको कनेक्ट किया हुआ है, आपने ये मेक श्योर करना है कि भाई चलो शियर में तो हम चेक करेंगे करेंगे, ऐसा ना हो कि इधर से अलग हो जाए, इधर से जो बेस मेटल है वो शियर कर जाए या रप्चर कर जाए, तो जब इधर से शियर रप्चर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है यील्ड या रप्चर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि इधर से फेलियर भी तो हो सकता है वर्ल्ड का, और इधर से भी फेलियर हो सकता है। तो तीन किस्म के चेक्स होंगे, अब बेस मेटल की शियर यील्ड स्ट्रेंथ और शियर रप्चर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपके पास ये फार्मूला है 0.6 Fy × A gross, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपके पास जैसे आप यील्ड के लिए फार्मूला होता था कि Fy × Ag, ठीक है, तो Ag क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा थिकनेस, थिकनेस जो भी मेंबर रिटेंशन मेंबर है, ठीक है, और L क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कनेक्शन, जितने कनेक्शन में वो फिलेट वेल्ड कनेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैं ये कह दूँ कि रप्चर, रप्चर के लिए भी क्या हो जाएगा, उसकी में जगह आ जाएगा नेट एरिया आ जाएगा, F(ultimate × net area). अब ऑब्वियसली चीज़ वही रहेगी, नेट एरिया और ग्रॉस एरिया सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम होल तो ड्रिल कर नहीं रहे, तो 0.6 F(ultimate) आ जाएगा, सिर्फ Fy की जगह F(ultimate) आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। जब प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि लेट से ये टेंशन मेंबर है, और जब आप इसको मूव कर रहे हो, एक तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई आपने ये देखना है कि ये कहीं जो वेल्ड है ये यील्ड ना कर जाए, शेयर में फेल ना हो जाए, और दूसरा ये हो जाए कि ऑब्वियसली जब मैं इस टेंशन मेंबर को पुल कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इस टेंशन मेंबर को पुल कर रहा हूँ तो इस जगह पर ऑब्वियसली ये जो प्लेन आ रहा है जहाँ पे कनेक्टेड हुआ पड़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली इस जगह पर शेयर फोर्स आएगी, ठीक है, इस जगह पर। अब इस शेयर फोर्स की वजह से कहीं शील्डिंग तो नहीं हो रही इस कनेक्शन की, या इस कनेक्शन का कहीं रपच्चर तो नहीं हो रहा, ऐसा ना हो ना कि लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, और इसको मैंने यूँ ऐसे कनेक्ट हुआ पड़ा, ठीक है, ये हमारे पास वेल्ड कनेक्शन हुआ पड़ा, और मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, इस वेल्ड में क्या हो रहा है, इस वेल्ड को अगर मैं देखूँ, अगर इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाऊँ, ठीक है, ये हमारे पास ये वेल्डिंग हुई पड़ी है, ये कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो चांसेस ये हैं कि ऑब्वियसली ये शेयर फोर्स ऐसे फील कर रहा है, ठीक है। अब जब ये शेयर फोर्स फील कर रहा है तो ये तो नहीं हो जाएगा कहीं ये पोर्शन ऐसा ना हो कि ये वाला पोर्शन स्लाइड कर जाए, ऐसे एक मूव हो जाए, ठीक है। तो इस वेल्ड में यील्डिंग भी हो सकती है, इस वेल्ड में रप्चर भी हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं बेस मेटल शियर और बेस मेटल रप्चर, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है आपने। तो इन शॉर्ट आपके पास तीन किस्म की जो चेक्स हो जाएंगे, जैसे हम पहले करते थे शियर करते थे, बेयरिंग स्ट्रेंथ करते थे, जैसे प्रीवियसली वेल्ड कनेक्शन की, बोल्ट कनेक्शन की जब बात कर रहा था, वेल्ड कनेक्शन में आपने तीन किस्म की स्ट्रेंथ देखनी है, वेल्ड शियर स्ट्रेंथ, वेल्ड की शियर स्ट्रेंथ देखनी है, दैट मीन्स कि जो वेल्ड है ये ऐसे शियर में फेल ना हो जाए, ये प्लेन में फेल ना हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, बेस मेटल, बेस मेटल की क्या देखनी है, शियर यील्ड स्ट्रेंथ और शियर रप्चर स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। बेस मेटल की ये दो स्ट्रेंथ आ जाएंगी, एक यील्ड और एक रप्चर, ठीक है, और वो भी क्या, शियर। नॉर्मली यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, Fy × Ag, लेकिन शियर क्या होता है उसका 60%, 0.6। इसी तरीके से रप्चर स्ट्रेंथ क्या होती है, F(ultimate × net area), बट शियर उसकी क्या हो जाएगी, 0.6 times, सही हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला आया और आपने इन्हीं का इस्तेमाल करना है। फिर ऑब्वियसली जो वेल्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, अगर वेल्ड शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो मैं पहला वाली बात कर रहा था, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा 0.75। और जब बेस मेटल की शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी, शियर स्ट्रेंथ के आगे दो चीज़ें हैं, या तो ये शील्ड या फिर रप्चर, तो उनमें से भी ऑब्वियसली जो कम होगा, और शील्ड के लिए इसमें, इस केस में स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर आ जाएगा 1, और रप्चर के लिए क्या आ जाएगा, 0.75। ये याद रखिएगा, ये वो उससे डिफरेंट है जो शुरू में हम कर चुके हैं, टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर थोड़े से डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास ASD के लिए इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 और 2 से हो जाएगा। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बेसिक्स, थी कि वर्ल्ड कनेक्शन की बेसिक्स थी क्या, कि वर्ल्ड कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, उसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, ठीक
ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसके प्रोसेस हमने देख लिया, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि E60 XXS का मतलब क्या है, ठीक है। अब जब हम उसकी सारी बेसिक्स पढ़ चुके हैं, उसके फार्मूला देख चुके हैं कि तीन तरह के चेक्स हैं, एक हमने उसकी जो वेल्ड की शियर स्ट्रेंथ देखनी है, उसके अलावा बेस मेल्ट की जो बेस मेटल है उसकी शियर यील्ड स्ट्रेंथ और शियर फ्लेक्चर स्ट्रेंथ देखनी है। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम पे। तो हमारे पास आ गया पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है कि आपका क्या है, एक फ्लैट बार यूज एज अ टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड टू अ गजर प्लेट, एक बार है टेंशन मेंबर है वो कनेक्ट किया गया गजर प्लेट के साथ एज शोन इन द फिगर। जो टेंशन मेंबर उसकी थिकनेस 1/4 inches है, जो गजर प्लेट है इसकी थिकनेस कितनी है 3/8 inches। द वेल्ड्स आर 3/16 inch फिलेट वेल्ड्स, ठीक है, फिलेट वेल्ड यूज हो रहे हैं और 3/16 inch उनकी थिकनेस है। थिकनेस का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये तो आपको लेंथ नज़र आ रही है, ठीक है। जब आप इस जगह पर ऐसे करके इधर करके खड़े हो गए, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन काटूं और आप इधर से देख रहे हो गए, तो इसकी ये जो 3/16 का मतलब ये है कि ये गजेट प्लेट होगी, ठीक है, मैं अगर ऐसे कर सकूं, ठीक है। और गजर प्लेट को हम जब इसके साथ जब ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास लेट्स से एक टेंशन मेंबर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये कर दूँ, और ये हमारे पास जो सॉरी इसकी जो फिलेट वाले ऐसे करके बन रहा होगा कि इसकी थिकनेस कितनी आ रही होगी, थिकनेस की मैं बात करूँ, बेसिकली थिकनेस ये है कि ये एक गजर प्लेट होगी और उसको हमने कनेक्ट किया वो टेंशन मेंबर के साथ, और ये हमारे पास करके ये जो थिकनेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, दैट इज 3/16 inches, ठीक है। उसकी थिकनेस ये विड्थ जो है ये हमें बता रहा है, ठीक है, और बाकी उसकी लेंथ कितनी है वो हमें, अगर हम इसके साइड से खड़े होंगे, ठीक है, मैं अगर इस तरफ खड़ा होऊंगा, ये आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आप अगर इस तरफ करके देखोगे, इधर से देखोगे, तो आपके पास ये लेंथ नज़र आएगी ये इस तरीके से, ठीक हो गया। बेसिकली आपको ये प्लेट ऐसे नज़र आ रही है, ये इस तरीके से नज़र आ रही है, तो आपको इस वजह से थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा इसको परेशानी होगी, बट ये इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह तक जब प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द वेल्ड्स आर 3/16 inch फिलेट वेल्ड मेट्स। उसके बाद इलेक्ट्रोड कौन सा है, इलेक्ट्रोड की जो हमारे पास टाइप है दैट इज E70XX, ठीक है। 70 का मतलब क्या है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है 70 के सही। द कनेक्टेड पार्ट्स आर ऑफ, जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं वो क्या हैं, A36 स्टील के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, जो अज्यूम द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स एडिक्वेट डिटरमिन द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड कनेक्शन। आपने इस बेसिकली इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ बतानी है कि इसकी स्ट्रेंथ है कितनी, कितना ये लोड बर्दाश्त कितना कर सकता है, ठीक है। तो हमने बस बेसिकली ये देखना है कि आपके पास ये एक प्लेट है, एक गजर प्लेट है, और उसके साथ एक टेंशन मेंबर ये ऐसे ऊपर है। अगर से क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये इसके साथ कुछ ऐसे करके ये प्लेट होगी, मैं ऐसे दिखा सकूँ, इसको एक ऊपर से ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे फिलेट वेल्ड बना हुआ है, ठीक है। हमने इधर से एक टांगा लगाया हुआ है और एक इसी तरीके से एक नीचे से करके ऐसे करके फिलेट वेल्ड बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके ये। और जब आप इधर साइड से खड़े होकर देखोगे, ठीक है, जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये व्यू ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पे इसको विड्थ इतनी नज़र आई, ठीक है, विड्थ कितनी आई 3/16 inches, ठीक है, और बाकी लेंथ कितनी है दैट इज दिस मच हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ, ठीक है जी। चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन क्या है, बिकॉज द वेल्ड प्लेट सिमेट्रिकली अबाउट द एक्सिस ऑफ द मेंबर दिस कनेक्शन कम्प्लीफाइज सिंपल कनेक्शन, ठीक है। देन अगेन हमारे पास ये चीज़ है कि ऑब्वियसली हमने इधर ऊपर भी वेल्ड हुआ पड़ा है, इधर भी वेल्ड हुआ पड़ा है, तो ये एक क्या कह सकते हैं, कोसेंट्रिक कनेक्शन है, मतलब सिमेट्रिकल है कनेक्शन। बिल्कुल ये हो जाएगा कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, हमें ये कहेंगे कि इनका जो सेंट्रॉयड है, दोनों जो कनेक्शन है इनका सेंट्रॉयड भी सेंटर में ही बन रहा है। अगर एक साइड पर कनेक्शन होता है तो फिर ऑब्वियसली कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो थोड़ी सी चीज़ आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम इसको अगले, अगर लेक्चर मुझे ज़रूर पढ़ा समझ में आया कि हमें आगे करना है उस चीज़ को, तो हम उसको करेंगे, वरना दिस इज़ द बेसिक एंड दिस आई गेस दिस इज इनफ, ठीक है जी। सिंस बोथ वेल्ड सेगमेंट्स आर पैरेलल टू द अप्लाइड लोड, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, पहले हम वेल्ड की शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब वेल्ड की शियर स्ट्रेंथ के लिए क्या फॉर्मूला था, 0.707 W × Fw, ठीक है। मैं लेंथ के साथ अभी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ पर इंच में कर रहा हूँ। तो हमारे पास वैसे फॉर्मूला था 0.707 W × L × Fw, ठीक है, बट हम इधर L नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक इंच के लिए पर इंच की इस वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो फार्मूला 0.707 W × Fw, Fw क्या होती है, मैंने आपको बताया था वेल्ड स्ट्रेंथ, तो 0.707 लिख दिया। W कितनी है, थिकनेस ऑफ द वेल्ड, थिकनेस ऑफ द वेल्ड हमें इसने बताया हुआ दैट इज 3/16 inches। उसके बाद आ जाएगा Fw, वेल्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैंने आपको बताया था 0.60 into जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो 0.6 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, दैट इज 70,
ऑब्वियसली किस तरीके से, ये हमारे पास जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब आपने एफ डब्ल्यू फाइंड आउट करनी है, आपके पास वेल्ड की क्या आगे बनना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बनाते हैं, तो आप एफ डब्ल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना 70 को, अगर 60 होता तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते जैसे प्रीवियसली मैं दिखा चुका हूँ। तो आपने इस तरीके से 0.707, उसके बाद विड्थ ऑफ द वेल्ड दैट इज 3/16, और उसके बाद क्या आ जाएगा एफ डब्ल्यू दैट इज 0.6 × 70, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो पर इंच आ गई वो कितनी आ गई, उसकी जब नॉमिनल कैपेसिटी उसकी शीयर स्ट्रेंथ की कितनी आ जाएगी, 5.568 आ जाएगी आपके पास, ये नॉमिनल लोड कैपेसिटी आ जाएगी। बट आपने ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो शीयर के लिए जो वेल्ड के शीयर के लिए कितना था 0.75, वो कहाँ से आया मैं आपको फिर से इधर से दिखा देता हूँ कि ये आपके पास जब वेल्ड शीयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर ये आ जाएगा। यही फार्मूला यूज़ हुआ है, सिर्फ हमने इसमें से एल की जगह 1 मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि हम अभी पर इंच कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पर इंच उसकी स्ट्रेंथ हम उसे बताना चाह रहे हैं। अगर टोटल फाइंड आउट करना चाहोगे तो जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे उतनी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो आपने 0.75, 0.707 डब्ल्यू इंटू एफ डब्ल्यू, इधर से आपने जी 0.7 आया, 5 आया, तो आपके पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल्ड, वेल्ड की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है 0.75, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4.176। तो ये तो आ गई पहली वैल्यू, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मतलब शीयर में इतने पे जाके फेल होगी कि वेल्ड का जो शीयर फेलियर होगा कि हमारे पास ये है एक, और इसको हमने प्लेट, अगर मैं ये बनाऊँ, ये प्लेट ऐसे बनाऊँ, अब इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ इधर ऊपर ऐसे, उसका शीयर फेलियर कितने पर होगा, वो कितने पर होगा 4.176। अब उसके अलावा बेस मेटल, मतलब बेस मेटल का मतलब ये है कि ये हमारे पास प्लेट और ये दूसरा, और ये मैं अगर इसका वेल्ड कनेक्शन बना रहा हूँ तो इस जगह पर जो स्ट्रेसेज आ रहे होंगे उसका शीयर फेलियर या उसका कहीं रक्चर ना हो जाए वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंस बोथ कंपोनेंट्स आर द सेम स्टील, तो आपने क्या करना है, अब ऑब्वियसली उसका जो फार्मूला था उसका फार्मूला ये है 5 × 0.6 FYT, ठीक है, मैं अब आप प्रीवियस आपको दिखा भी चुका हूँ। तो अब इसके लिए क्या टी चाहिए, अब टी थिकनेस किस चीज़ की होनी चाहिए, टी जो यील्डिंग हो सकती है वो किसकी हो सकती है, ठीक है, या तो वो टेंशन मेंबर की हो सकती है या गजेट प्लेट की हो सकती है। तो जिसकी थिकनेस कम होगी वो कंट्रोल करेगा, ऑब्वियसली कम से कम यील्डिंग स्ट्रेंथ या रप्चर स्ट्रेंथ किसकी होगी, या टेंशन मेंबर की या गजेट प्लेट की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिसमें थिकनेस कम है, थिकनेस किसकी कम है, वो हमारे पास इस केस में हमारे पास ये टेंशन मेंबर की कम है, 1/4 इससे कम है। तो आप फार्मूला क्या पुट करोगे, जो आपने प्रीवियस फार्मूला देखा, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा फॉर द केस ऑफ यील्डिंग, ठीक है, शीयर यील्ड स्ट्रेंथ के लिए 1 होता है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिएगा 0.6 आ गया, ठीक है। एफ वाई क्या आ जाएगा, जो आपने टेंशन मेंबर यूज़ किया, इसकी ए 36 स्टील था तो उसके 36 की ऐसा ही, और टी क्या आ जाएगा, थिकनेस इस चीज़ की। तो इसमें यील्डिंग कितनी पे होगी बेस मेटल में, यील्डिंग शीयर यील्डिंग कब हो जाएगी 5.4 पे, और शीयर रप्चर कब होगा बेस मेटल में, उसके लिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में गिवन है 0.6। एफ अल्टीमेट यूज़ हो जाएगा और उसमें टी थिकनेस हो जाएगा तो 6.525। तो अब बेस मेटल की स्ट्रेंथ के दो चीज़ें हैं कि बेस मेटल शीयर यील्डिंग कब होगी 5.4 पे और शीयर में रप्चर कब होगा 6.525 पे, तो इनमें से कम कौन सा जो डिसाइड कर रहा है वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम ओवरऑल तीनों की स्ट्रेंथ देख लें, द बेस मेटल शीयर स्ट्रेंथ इज 5.4, मतलब क्या हो रहेगा कि इस बेस मेटल की अगर मैं शीयर स्ट्रेंथ देखूं जिसमें यील्डिंग इतने पर हो रही है, फ्रैक्चर इतने पर हो रही है, तो यील्डिंग पहले हो रही है तो ये कंट्रोल कर रही है। तो बेस मेटल की शीयर स्ट्रेंथ कितनी है 5.4, और इसके अलावा वेल्ड की शीयर स्ट्रेंथ कितनी है 4.176। अब कनेक्शन की जब बात करें तो ऑब्वियसली इनमें से जो कम होगा हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द बेस मेटल शीयर स्ट्रेंथ इज 5.4 एंड द वेल्ड शीयर स्ट्रेंथ कंट्रोल्स, के वेल्ड की जो शीयर स्ट्रेंथ है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इन दोनों में से कम कौन सी थी, ये 5.4, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि बेस मेटल की इतनी स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली अब बेस मेटल और वेल्ड की देखनी है उनमें से कम कौन सी है, ये वाली है, तो ये कंट्रोल कर रही है। देयरफॉर डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर द कनेक्शन, ठीक है, 4.176 आ रही है कि एक इंच में इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है 4.176। अब आप देख लें कि आपके पास टोटल लेंथ ऑफ कनेक्शन है, क्योंकि पूरे कनेक्शन की स्ट्रेंथ बतानी है, तो आप क्या करोगे, हमारे पास 4 इंच इधर से वेल्ड आ रहा है और 4 इंच लेंथ ऑफ द कनेक्शन इधर आ रही है टोटल। अगर सिर्फ ए जगह पर वेल्ड हुआ होता तो हम क्या करते हैं 4.176, 1 इंच का है तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते। अब चूंकि सिर्फ दोनों जगह पर वेल्डिंग हुई पड़ी, इधर भी वेल्ड हुई पड़ी है, तो हम 4 + 4 8 इंचज हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ गई वेल्ड की 33.4। या जी की वेल्ड कनेक्शन की डिज़ाइन स्ट्रेंथ एज पर LRFD, ठीक है, एज पर अलाउबल स्ट्रेंथ फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला एज इट इज रहेगा, ठीक है, 0.707 डब्ल्यू एफ डब्ल्यू ये आ जाती है। सिर्फ क्या हो जाता है, इधर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा अलाउबल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर इंच,
अब उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर से वही बात आ जाएगी कि अब आपने ये तो आ जाएगी वेल्ड की, अब आपने बेस मेटल का शीयर और उसका जो बेस मेटल उसकी शीयर यील्ड स्ट्रेंथ और उसकी रप्चर स्ट्रेंथ आपने देखनी है। फार्मूला वही है 0.6 FY × T, 0.6 FY × T, सिर्फ उधर पॉइंट्स इधर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंचेस, और फॉर द केस ऑफ रप्चर इधर 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और जबकि इधर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इन दोनों में से देख लो कि पहले तो बेस मेटल में से यील्डिंग इतने पर हो रही है, फ्रैक्चर इतने पर हो रही है, तो ये कम है, इसको हम चूज़ कर लेंगे बेस मेटल के लिए। और वेल्ड के लिए कितना है, 2.784। तो अब इनका कंपेरिजन कर लो कि बेस मेटल जो जो वेल्ड की स्ट्रेंथ इतनी है 2.784, बेस मेटल कितनी है 3.6, तो इनमें से कम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। द बेस मेटल शी स्ट्रेंथ दिस, देयरफॉर वेल्ड शी स्ट्रेंथ कंट्रोल्स, अब 2.784 है, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 + 4, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इसके भी 4 इंचेज है, 4 इंचेज है, तो आपके पास ये टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी एज पर ASD 22.3, एज पर LRFT 33.4, ठीक हो जाएगा कि भाई इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है ये वेल्ड कनेक्शन। तो बेसिक है, बड़ा सिंपल सा है, 3 ही फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, ठीक है, ये वाला, दूसरा ये फार्मूला है और तीसरा ये फार्मूला है, आसान सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल है नहीं, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या है, इफ द कनेक्शन ऑफ एग्जाम्पल 7.11 इंक्लूड्स बोथ द 4 इंच लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स शोन द फिगर एंड एन एडिशनल 4 इंच लॉन्ग ट्रांसवर्स वेल्ड एट द एंड ऑफ द मेंबर, देन व्हाट इज द अवेलेबल स्ट्रेंथ। वो ये कहना चाह रहा है कि यही प्रॉब्लम है कि इसमें जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड कौन से थे, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड कितने हैं, 4 इंच लेंथ ये है, 4 इंच लेंथ ये है। वो कहना चाह रहा है कि ये तो है ही है, इसके अलावा एक और वेल्ड भी है और वो परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और उसकी भी लेंथ कितनी रख दी है हमने, 4 इंचेस रख दी है, ठीक है, एंड एडिशनल 4 इंच लॉन्ग ट्रांसवर्स वेल्ड एट द एंड ऑफ द मेंबर, व्हाट इज द अवेलेबल स्ट्रेंथ। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, अब जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम थे, बेसिकली ये था कि ये एक हमारे पास, ये देखिए ये एक प्लेट थी और उसको हमने इसका कनेक्ट किया हुआ था, अगर मैं दिखा सकूँ, हाँ बल्कि ऐसे नहीं, आपके पास क्या था, जैसे ये आपके पास ये सारे यही कनेक्शन है, आपके अलावा आपने इधर एक और वेल्ड लगा देना और उसकी भी लेंथ कितनी रखनी है, 4 इंच। तो अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, बेसिकली जो प्रीवियस प्रॉब्लम था इसके लिए एज पर LRFD शीयर वेल्ड की कितनी स्ट्रेंथ थी, ये 4.176, और ये उसके लिए कितनी थी, तो वही वैल्यूज यूज़ करेंगे जो प्रीवियस प्रॉब्लम में थी। फ्रॉम एग्जाम्पल द वेल्ड डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ इज 4.176 एंड बेस मेटल शीयर डिज़ाइन स्ट्रेंथ, जो बेस मेटल की शीयर डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है और वेल्ड की कितनी है, तो बेस मेटल कितनी थी। अब आपने क्या करना है, इनमें से कम कर सकता है, ये वाली इसी को चूज़ करोगे, पहले भी यही कर रहे थे, और पहले हम सिर्फ क्या कर रहे थे, 4.176 4 + 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब दो तरीके हैं, उसने कहा कि जो ट्रांसवर्स वेल्ड है उसको भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इंचज इधर है, 4 इंच इधर कनेक्ट हो रहा है और 4 इंच इधर कनेक्ट हो रहा है, बेसिकली मेटल को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 4 + 4 12 से कर दोगे तो आपके पास ये टोटल एक वे आउट ये है, ठीक है, टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। एक ये है कि वो ये कहना चाह रहा है 0.85 टाइम्स द बेसिक वेल्ड स्ट्रेंथ फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स एंड 1.5 टाइम्स द बेसिक वेल्ड स्ट्रेंथ, वो ये कहना चाह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्ट्रेंथ 4.176 है, लेकिन उसको फिर 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उसकी 85% काउंट करनी है, और जो ट्रांसवर्स वेल्ड है ट्रांसवर्स वेल्ड को भी 4.176 इसी से मल्टीप्लाई करोगे, बट उसको क्या कर दोगे, उसका 1.5 से एडिशनली मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली क्या है कि एक तरीका ये है कि हम तीनों को 12 कर दें, 4 + 4 + 4, और उसको एक ही बार 4.176 से कर दें, या हम इसको ब्रेक डाउन कर दें कि भाई लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग से कर लो, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए है और ये जो है ट्रांसवर्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए जब अलग कर रहे हो तो उसको 0.85 टाइम्स द बेसिक वेल्ड स्ट्रेंथ करोगे, और जब ट्रांसवर्स की बात करोगे तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब उसकी 50% बढ़ा देनी है। अब इनमें से जो वैल्यू है ये याद रखिएगा, द लार्जर वैल्यू कंट्रोल्स, जो इसमें से ज्यादा इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, व्हाट इज द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। दोनों ही तरीके सही हैं, तो मैक्सिमम कितने आ रहा है, द लार्जर वैल्यू कंट्रोल्स, अब इसमें से 53.5 के पहले फार्मूला से ये आया कि सबको इक्वली ट्रीट करो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेल्ड को इक्वली ट्रीट करेंगे तो इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल के लिए 0.85% हम 85% काउंट कर रहे हैं और ट्रांसवर्स के लिए अलग से उसका 50% ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 53.5। तो ओवरऑल इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 53.5, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ एक 4 इंच लॉन्ग ट्रांसवर्स वेल्ड भी यूज़ करते हैं।
एज पर हम अगर बात करें एएसडी की, तो एएसडी की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी थी, अलाउबल शियर स्ट्रेंथ कितनी थी 2.784, और बेस मेटल की कितनी थी 3.6। जैसे ये प्रीवियस प्रॉब्लम देख लें कि ये देखिए वेल्ड मेटल वेल्ड की स्ट्रेंथ इतनी थी और बेस मेटल की इतनी थी, दोनों में से ये कंट्रोल करना था 2.784। अब 2.784 अगर तो लॉन्गिट्यूडल को और ट्रांसफर को इक्वली ट्रीट करोगे तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडल को अलग से करना है तो वो ये लॉन्गिट्यूडल की स्ट्रेंथ हो जाएगी 4+4, उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, और ट्रांसवर्स के लिए उसकी 4 इंच लेंथ है उसको 2.87784 से मल्टीप्लाई करते हो और 1.5 से एडिशनल मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें से स्ट्रेंथ कितनी आ रही है एज पर एएसडी 35.6 आ रही है, ठीक है। तो अलाउबल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इज 35.6। इस तरीके से जी आप वेल्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जी।